गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये ट्रिप में हम लोग जा रहे हैं कोलकाता टू मेघालय। आज सिलीगुड़ी तक जाने का प्लान है। तो अभी टाइम हो रहा है 3:25 और अंधेरा है, आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है। हम लोग टोटल 3 जा रहे हैं। वो सामने वाले बाइक में 2 है, दोनों का नाम ही अरिंदम है। जो ड्राइव कर रहा है उसका है अरिंदम पाल और जो पीछे बैठा हुआ है उसका नाम है अरिंदम दास। और मैं मेरे बाइक में अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। इस टूर के लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कब डेट आएगा, कब डेट आएगा। फाइनली डेट आ गया है। आज है 15 अक्टूबर रात के 3:25 और ये फर्स्ट डे है। तो हम लोग आज ट्राई करेंगे सिलीगुड़ी तक जाने के लिए। यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगा, तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो बीच में कहीं पे रुक जाएंगे, पर ट्राई करेंगे आज रात सिलीगुड़ी स्टे करने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 4:00 और अभी हम लोग ओल्ड दिल्ली रोड पे आ गए। पिछले साल जब गया था तब बर्धमान होके गया था, तो बर्धमान होके जाने से थोड़ा सा किलोमीटर बढ़ जाता है, पर वहाँ का रास्ता बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त ये ओल्ड दिल्ली रोड को पकड़ के गया था, तो वो बोला था लगभग अच्छा ही है, तो इसीलिए हम लोग इस बार इस रूट से जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:00, अभी भी अंधेरा है चारों तरफ। तो अभी हम लोग घर से लगभग 60 किलोमीटर आ गए और पीछे मोगरा हम छोड़ के आए हैं। धीरे धीरे भूख लग रहा है क्योंकि क्योंकि रात भर सोया नहीं ज्यादा। कल रात को सोया था 12 और नींद आते आते 1:30 गया था और 2 तो उठना पड़ा मुझे। तो अभी सुबह हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:20 और नज़ारा बहुत ही अच्छा हो गया है सुबह होते ही। और भाई रात में ड्राइव करने की प्रॉब्लम पता चल गया है मुझे। पहले तो रोड के ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होता है, उसके ऊपर अपोजिट साइड से जो गाड़ी आता है उसका लाइट आपके आंखों में लगता है और मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, सब धुंधला हो जाता है। तो यह इशू रहता है रात के टाइम पे। खैर अब तो सुबह हो गया है, मेरा वो दोस्त आगे निकल गया है, मैं हमेशा पीछे ही पड़ जाता हूँ क्योंकि भाई वो बहुत तेज भगाता है बाइक को। मैं इतना तेज भगाता नहीं हूँ बाइक को, मतलब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, कोई नहीं कवर कर लेंगे। तो घर से हम 85 किलोमीटर आ गए। वो लोग कहीं पे खाने के लिए रुकेंगे तो अच्छा होगा, देखते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5:55, अभी हम लोग कृष्णनगर पहुँचने वाले हैं और घर से लगभग 111 किलोमीटर आ गया है। आगे गौरंग सेतु है, तो गौरंग सेतु को क्रॉस करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा रश है ब्रिज के आगे। तो कृष्णनगर के आगे चाय वाय पीने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे और उसके बाद फिर से निकलेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ 15-20 रुके थे, थोड़ा चाय पी लिए और बिस्किट केक भी खा लिए और अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:15 और घर से लगभग हम 112 किलोमीटर आ गए। तो चलिए कुछ देर बाद मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:50 और घर से लगभग 130 किलोमीटर आ गए। यहाँ पे दिख रहा है मालदा 210 किलोमीटर, दालखोला 336 किलोमीटर, बहरमपुर 84 किलोमीटर। यहाँ से सारक्का बैरेज 178 किलोमीटर के आसपास है। देखिए यहाँ से ट्रेन लाइन जा रहा है, साथ ट्रेन भी जा रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:40, ये बहरमपुर है। यहाँ पे हम लोग रुक के थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिए, 2 खा लिए। यहाँ से दिखा रहा है लेफ्ट। तो भूख बहुत लग गया था, 2 खाने के बाद फील बेटर। न्यू बलरामपुर हॉल्ट स्टेशन में एक न्यू बलरामपुर हॉल्ट। सुबह वेदर ठीक था,
अभी धूप की वजह से ना गर्मी बहुत हो रहा है, तो टोटल 4 घंटे में हम लोग 207 किलोमीटर कवर कर लिया है। और यहाँ से सिलीगुड़ी अभी 371 किलोमीटर बाकी है। यहाँ का रास्ता भी उतना अच्छा नहीं है, तो चलिए कुछ दूर जाके फिर मिलते हैं। ये बहरमपुर है, तो बहरमपुर सिटी के अंदर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रश है अभी। यहाँ पे हाईवे पे आ गए हैं और यहाँ पे बोर्ड है कि मुरग्राम सीधा, पालसंदा सीधा, अनंतपुर लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग मुरग्राम की तरफ जाएंगे, तो हम लोग को सीधा जाना होगा। ये NH 12 है, गूगल मैप बताया है कि ये NH पे 40 किलोमीटर चलना है। अभी थोड़ा लोकेलिटी छोड़ के हाईवे पे आ गए हैं, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा किलोमीटर कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया। ये सुबह के ब्रेकफास्ट में ना बहुत टाइम निकल गया है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:10। और यहाँ से अभी भी 355 किलोमीटर बचा है। आगे टोल है। तो ये टोल से निकल गए, बाइक का कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो चलिए कुछ किलोमीटर कवर करने के बाद मिलते हैं। बोल रहे हैं मुरग्राम सीधा, तो सीधा ही जा रहे हैं हम लोग, सड़क का सीधा, तो सड़क का होके जाएंगे। आप लोगों से एक बात बोलना भूल गया हूँ कि मेरा पिछले ब्लॉग में जो केवंदर गया था, वो वीडियो तो शायद आपने देख ही लिया होगा। उस जर्नी में मेरा बाइक में शैडो बैग नहीं था। बाइक में जैसे ही मैं 80 या 90 की स्पीड में चला रहा था, बाइक हिल रहा था हवा से। आज मैंने दो साइड में शटल बैग लगा लिया है। शटल बैग लगाने के बाद बाइक पूरा स्टेबल चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है आज चलाने में। तो चलिए कुछ किलोमीटर कवर करके फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ। हाँ बिल्टा दीदी। तो यहाँ पे आपने देखा 6.87 या कुछ पेट्रोल आया है, और टोटल किलोमीटर चला है 237.7 किलोमीटर। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कितना माइलेज दे रहा है। आगे भी करूंगा माइलेज टेस्ट, तो पता चल गया इस चीज में मतलब कैसा माइलेज दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, ये जगह का नाम है शमशेरगंज। यहाँ से दिखा रहा है कि सिलीगुड़ी 286 किलोमीटर बाकी है। हम लोग घर से लगभग 293 किलोमीटर आ गए, तो यहाँ से फाराक्का 18 किलोमीटर दूर है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही रास्ता है यहाँ पे शमशेरगंज पे। अभी हम लोग फाराक्का की तरफ जा रहे हैं, और फाराक्का यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, और मालदा यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक था, अभी फिर से चल पड़े हैं। गूगल बता रहा है कि 5:30 बजे सिलीगुड़ी पहुँच जाएंगे अगर कंटिन्यू ड्राइव करें तो, बट हम लोग तो कंटिन्यू ड्राइव नहीं करेंगे, तो बीच में लंच करना होगा और काफ़ी ब्रेक भी लेना होगा। तो लगता है 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी। अभी घर से आधा आए हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:50 एंड घर से आधा आए हैं और आधा बाकी है। ये देखिए यहाँ पे हाथी लेके जा रहा है, ट्रक में हाथी लेके जा रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे और यहाँ से सिलीगुड़ी 276 किलोमीटर बचा है। ये आ गया फाराक्का ब्रिज, जो कि बहुत ही फेमस है। इस ब्रिज का मज़ा और भी अच्छा होता अगर ये बगल में से अगर कोई ट्रेन जाता ना, तो और भी अच्छा लगता। भाई इतना जैम, लगभग 15 मिनट से रुके हुए हैं, बहुत ही जैम है भाई, बहुत ही जैम। शायद अभी जा सकता हूँ, पसीना पसीना हो गया भाई। आगे फिर से जैम है भाई, बहुत।
अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि अगर यहाँ से ट्रेन जाता है तो बहुत देखने को अच्छा लगता है। देखिए बढ़िया है भाई। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और यहाँ से सिलीगुड़ी 235 किलोमीटर बचा है और घर से लगभग 345 किलोमीटर हम लोग आ गए और आगे मालदा है तो मालदा पहुँचने वाले हैं हम लोग। हम लोग सोच रहे हैं कि रायगंज जाके दोपहर का लंच करेंगे, देखते हैं कितना पॉसिबल होता है, कब रायगंज पहुँचता है। ऐसा लग रहा है कि भाई रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रुकते कमर पेन कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट देते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक ले लिया था, कमर में बहुत पेन कर रहा था। एक्चुअली रात में तो 1.5 घंटा सोया और उसके बाद कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा हूँ तो इसलिए बार बार रुकना पड़ रहा है। कोई नहीं, अभी टाइम हो रहा है 12:20 और यहाँ से टोटल 231 किलोमीटर बाकी है और यहाँ से रायगंज का डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे आज दोपहर का। देखते हैं रायगंज कब तक पहुँचते हैं। वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों अभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट से मैं बच गया, मतलब मैं सोच रहा हूँ और हाथ पाँव अभी भी कांप रहा है, ऐसा सिचुएशन था। तो क्या हुआ था, मेरा बाइक के दोनों साइड में राइनॉक्स का शटल बैग लगा हुआ था, 100/350 का साइलेंसर जो है वो थोड़ा ऊंचा है। तो क्या हुआ, मेरा जो शटल बैग था उस साइड में साइलेंसर के साइड में जो शटल बैग था उसमें आग लग गया था। तो एक्चुअली क्या हुआ है, मैं बाइक चलाते चलाते तो अचानक से मैं लुकिंग ग्लास से पीछे देखा तो बहुत धुआं दिखा और मैं क्या हुआ है देखने के लिए बाइक को साइड कर दिया और मैंने देखा कि मेरा राइट साइड का जो शटल बैग है वो पूरा जल रहा है आग से। क्या हुआ था, शटल बैग साइलेंसर के टच में आ गया था और साइलेंसर इतना गर्म हो गया है कि शटल बैग में आग लग गया। तो मैं तो देख के भाई बहुत घबरा गया कि भाई क्या होगा, शटल बैग तो पूरा बांधा हुआ था बाइक के साथ, मेरा दोस्त आगे जा रहा था उसको बुलाने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं रास्ते में एक गंदे बाइक लेके जा रहा था, मैं उसको हाथ दिखाया तो वो रुक गया और दोनों मिलके कैसे भी करके वो शटल बैग पहले डीअटैच किया बाइक से और शटल बैग पूरा जल गया है और अंदर के जो सामान था वो पूरा आग से जल गया है। ये शुक्र है कि बाइक का कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बस साइलेंसर पाइप में थोड़ा सा दाग आ गया है, वो क्लीन हो जाएगा, पर शुक्र है कि बाइक में कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ है। भाई बाल बाल बच गया, ये तो एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता था भाई। तो मैंने क्या किया, उस बैग को उधर ही फेंकना पड़ा तो उसमें जो जो सामान था मेन मेरा वो दोस्त का कपड़ा वगैरह था वो सारे जल गए और इसके अलावा उसमें चेन क्लीनर, चेन लुब्रिकेशन ये सब था वो सब ले लिया मैंने, बाकी पूरा बैग जल गया है। आप देख सकते हो कैसे जला है ये बैग, मतलब पूछो ही मत, पूरा इस ट्रिप का मन खराब हो गया। ये और एक शुक्र है कि मेरा दूसरे साइड जो शटल बैग था उसमें मेरा लैपटॉप था, तो मैंने जिस बैग में लैपटॉप था उस बैग को मैंने राइट हैंड साइड नहीं रखा, अगर रखता तो भाई लैपटॉप में मेरा आग लग जाता भाई। मतलब भाई जब ये आग लगा था ना देख के मेरा हाथ पैर कांप रहा था भाई, क्या करूँ, बाइक में ना आग लग जाए खराब लग रहा है बहुत। उसमें मेरा दोस्त का सारे कपड़े वगैरह था, अभी क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। तो अभी क्या करेंगे, गुवाहाटी जाके या शिलांग जाके दोस्त के लिए कपड़ा वगैरह खरीदना होगा। मतलब बुरा लग रहा है भाई, बहुत नया बैग था और इस चीज को मैंने पहली बार लेके आया था। चलिए जो भी है शुक्र है, मतलब बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट से बच गया, सिर्फ बैग के ऊपर से गया भाई, मतलब मन दुखी हो गया। एक टूर पे जा रहे थे ऐसा एक एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट के बाद मन दुखी हो गया भाई, अब क्या कर सकते, मतलब भगवान का ये शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। अब इसको सोच के भी कुछ फायदा नहीं है, चलिए चलते हैं आगे। तो अभी टाइम हो रहा है
3:25 और यहाँ से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है 156 किलोमीटर। हम लोग रायगंज क्रॉस कर चुके हैं, तो रायगंज में लंच कर लिया था रायगंज से, और हम लोग बोतलवाड़ी का रोड लेंगे। गूगल तो बता रहा है कि 7 बजे पहुँचूँगा, पर देखता हूँ कितना टाइम लगता है। एक्चुअल में थोड़ा सा मन खराब हो गया है, थोड़ा सा दुखी हो गया हूँ, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से। कोई नहीं, अब उसको भूलना होगा मुझे, क्योंकि जो हो गया हो गया। कि उसको अगर दिमाग में रखेंगे तो मुझे उतना दूर ड्राइव करना है, तो वो सोचना ठीक नहीं होगा। जो हो गया ठीक है, ठीक है, चलिए बाद में मिलते हैं। अभी हम लोग बोतलवाड़ी रोड से जा रहे हैं और 28 किलोमीटर उस रोड से जा रहे हैं, उसके बाद NH 27। तो अभी टाइम हो रहा है 4:35 और टोटल हम लोग घर से 466 किलोमीटर आ गए, और यहाँ से सिलीगुड़ी 112 किलोमीटर बाकी है। अभी टाइम हो रहा है 6:10 और यहाँ से सिलीगुड़ी 70 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग बोतलवाड़ी रास्ता छोड़ के इस्लामपुर बाईपास होते अभी NH 27 पे है। रात के टाइम पे एक ही दिक्कत है भाई, अपोजिट साइड से जो गाड़ी आता है ना, उसका लाइट आँखों में चुभता है भाई, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब गाड़ी चला जाता है तब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इतना तेज लाइट होता है भाई, यही एक दिक्कत है। पर क्या करें, अभी 70 किलोमीटर जाना है, चलते हैं। सिलीगुड़ी में हम लोग पहले से कोई होटल बुक नहीं किया है, हम लोगों के पास बाइक है, तो जाके ढूंढ लेंगे होटल, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सिलीगुड़ी में। यहाँ से पेट्रोल फिल कर लेते हैं, लास्ट पेट्रोल जहाँ पे भरे थे वहाँ से 282 किलोमीटर चला है, 282.6। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15 और यहाँ से 30 किलोमीटर बाकी है सिलीगुड़ी। तो सुबह 3:30 से कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं, अभी हालत ख़राब होने लगा है। अभी ऐसा लग रहा है कि तब सिलीगुड़ी पहुँचूँगा, और तब हम लोग होटल में चेक इन करेंगे, पता नहीं, देखते हैं।